जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया, देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गया। फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए, बलिदान तुम्हारा ए देश कभी नहीं भूल पाएगा। याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा, देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए, फिर से वीर भारत माँ के तेरे शहीद हो गए। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला इनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस जवान मुदस्सिर अहमद शेख को गुरुवार के दिन अंतिम विदाई दी गई। गमगीन माहौल के बीच परिजन तिरंगे से लिपटे ताबूत में रखे शहीद के पार्थिव शरीर से लिपट कर रो रहे थे। इस दौरान शहीद के रुआसे पिता मकसूद अहमद शेख ने अपने आंसू पोंछे और फक फक कर रो पड़े। बुजुर्ग पिता मकसूद अहमद ने इस दौरान कहा कि बेटे मुदस्सिर की कुर्बानी की वजह से हजारों आदमियों की जान बच गई है। हमें पता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। हमें और हमारी बिरादरी को फख्र है कि लड़ते लड़ते बेटे ने जान दे दी, लेकिन आतंकवादियों को बचने नहीं दिया। शहादत देने वाले पुलिसकर्मी के पिता को फख्र को देखकर हर किसी की आंखें जोश से भर गई। उरी सेक्टर के रहने वाले शहीद मुदस्सिर के पिता ने कहा है कि अगर आतंकवादी बच जाते तो बड़ी तबाही मचा सकते थे, इसलिए हमें फख्र है कि मुठभेड़ में आखिरी वक्त तक लड़ते हुए जाबाज मुदस्सिर ने आतंकवादियों से लोहा लिया और दहशतगर्दों को मार गिराया। आपको बता दें कि बारामूला जिले में बुधवार को अचानक हुई मुठभेड़ में जैसे मोहम्मद गुट के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। उत्तरी कश्मीर के कीरी इलाके के नाजी भट्ट में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस टीम के अहम मेंबर मदरस अहमद शेख शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।